इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने 7 अक्टूबर की बरसी से एक दिन पहले ही ये दावा किया था कि उन्होंने हमास की सैन्य शाखा पर गाजा में जीत हासिल कर ली है, लेकिन उनके दावे की अगले ही दिन हवा निकल गई, क्योंकि हमास की सैन्य शाखा अल कासिम और अल कुस ब्रिगेड ने मिलकर इसराइल के भीतर तेल अविव में M90 रॉकेटों की बौछार कर दी। इजरायली मीडिया के अनुसार इस हमले में कई लोग घायल हुए और इस हमले के बाद गाजा के अलग अलग इलाकों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि गाजा में हमास की ताकत में कोई ज्यादा फर्क पड़ा हो, क्योंकि गाजा के जबालिया कैंप में इजरायली सेना ने दोबारा अपना ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें हमास ने उसके ऊपर जमकर गोला बारूद बरसाया है। हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर किए गए हमलों का एक वीडियो जारी किया है जो जबालिया कैंप के अल हावूज अल टुकरी इलाके का है, जिसमें अल कासिम के लड़ाके पहले तो एक बिल्डिंग में एक बम फिट करते हुए नजर आते हैं और उस बम को तार के जरिए रिमोट कंट्रोल से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद वीडियो में कुछ इजरायली सैनिक उस बिल्डिंग के पास आते हैं और जैसे ही ये सैनिक इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं, अल कासिम का लड़ाका रिमोट से उस बम को उड़ा देता है। इसके बाद हमास की अल कुस ब्रिगेड ने वेस्ट बैंक के तुलकारम शहर के नूर शम्स से एक और वीडियो जारी किया है जिसमें हमास ने इजरायली बलों के काफिले पर एक भीषण हमला किया है। वीडियो में IDF के 3 वाहन आते हुए दिखाई देते हैं जिनमें से आगे वाली गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है उसमें एक भीषण ब्लास्ट होता है। इसके बाद वीडियो में एक और IDF की जीप में भयानक ब्लास्ट होता है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर इजरायली सेना की गाड़ियों में धमाके होते हैं। अल कुस ब्रिगेड ने गाजा के बैथुन्नून से एक और वीडियो जारी किया है जिसमें पहले एक स्नाइपर एक इजरायली सैनिक को निशाने पर लेता है और फिर टारगेट लॉक होने के बाद सीधे फायर कर देता है, जिसके बाद IDF का सैनिक नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद इस वीडियो में आगे कुछ रॉकेट आसमान को चीरते हुए दिखाई देते हैं। हमास ने दावा किया कि उसने ये रॉकेट ज़ेरोट शहर की तरफ दागे हैं। हमास ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने रफा के पूर्वी इलाके से रजूम 114 mm की मिसाइलें दागी हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइलें आसमान को चीरते हुए ताबड़तोड़ इजराइल की तरफ फायर हो रही हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए एक साल का वक्त हो चुका है और 101 इजरायली बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। जिस हमास को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने कसम खाई थी वो गाजा में अभी भी इजरायली सेना को तगड़ी चुनौती दे रहा है और अब IDF की हिजबुल्ला के साथ जंग के चलते कहीं ना कहीं इजरायली सेना की पकड़ गाजा में ढीली पड़ रही है, जिसके चलते हमास अब और ज्यादा भीषण हमले कर रहा है।